और ये वाले पर्दे यहाँ के हैं गाइस। हमारा रूम रेडी हो गया है गाइस। करने का जा रही है घर छोड़ के। अब तू आएगी तेरे को वॉल पेपर लगे मिलेंगे। हाँ। बोल तो गाइस न्यू वॉल पेपर आ गया है हमारा। गाइस मम्मी का रिएक्शन देख लो कैसे आ रहे हैं ये। रात को भूत प्रेत आ जाते हैं इसके अंदर। राम का नाम लिया करें जब भूत प्रेत ना होंगे। नहीं आते तो तेरे अंदर है। नाम मेरा बदनाम है। राम राम जी सारा ना है। क्या हाल आपके। बढ़िया बढ़िया प्रैंक देखो है। बढ़िया प्रैंक देखने में लग रहे हैं बेटे। तो भाई अभी हमारे घर की रेनोवेशन चल रही है आपको तो पता ही है। तो एंटी लिया जितने दिनों में बना उतने दिनों में हमारा एक रूम बनेगा। मैंने सोचू आंटी लिया मका कौन सा। अरे आंटी लिया मतलब अंबानी का जो मकान बनाया था। मतलब मैंने तो देख भी रखा तूने देख भी ना रखा। तने देख के बाल पड़ लिया बताऊं मैंने आता एंटी लिया मैंने बेरा है के है। तो गाइस आज कनी का अपने घर जा रही है और मैं पूरे घर में गति एकला हूं। पूरे घर में एकला नहीं है। वॉल पेपर वाले आएंगे दीदी आएंगी झाड़ू पोछा करेंगी ठीक है। पर्दे वाले आएंगे बताओ कितने सारे आदमी आएंगे और रात को मम्मी आएगी। आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या चल रहा है घर में ठीक है। किस टाइम जाएगी तुम आज बता। 10 बजे। क्या मजा आओगी। तू छोड़ के आ ही नहीं रहा तो कैब में जाऊंगी। गाइस मैंने इसको इतना बोला कि मैं छोड़ जाता हूँ मैं छोड़ जाता हूँ लेकिन अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो वैसा लेकिन लगता है। ये बोल रही है कि मैं सेविंग्स कर लूंगी और मैं कैब में जा रही हूँ तू टेंशन मत ले। तो यहाँ पे काम संभलवा। बस ये रीजन है। ये रीजन है भाई। बाकी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या आज होने वाला है। और ये देख लो भाई हमारा ताजमहल बनना स्टार्ट हो गया है। दीदी काम कर रही है यहाँ पे। और अभी फिलहाल जो आज काम होने वाले हैं ना वो आपको गिनवाता हूँ मैं। एक तो आज हमारे पर्दे आ जाएंगे ये वाले ठीक है। और जो मैं ये PPF लगा रहा था ये मैंने इतनी लगा दी है। और ये देखो भाई कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसकी। वो पर्दे उतर गई कोई नहीं भी कर देंगे ओके। तो ये कुछ ऐसे हो रही है और ये पूरी लगने वाली है इसके यहाँ पे ठीक है। और यहाँ का भी मैंने सोच रखा है कुछ आज वो भी आ जाएगा। बाकी यहाँ से लुक देखो आप रूम की कैसी आ रही है ना एंडी। हमारा रूम रेडी हो गया है गाइस। और यहाँ वाले पर्दे भी आज आ जाएंगे और ये वाला वॉलपेपर भी आ जाएगा आज। ये सारी चीज़ हो जाएंगी आज आज में ठीक है। और ये भी ऊपर भेजना है हमको फिर सारा ओपन हो जाएगा गाड़ी तो नहीं। लुक जो आने वाली है ना जबरदस्त आने वाली है। इतना किमी आओगी ना इतने सारे काम हो जाएंगे नहीं किमी। अब तुम तू जा कहाँ रही बताओ देने को। शादी में जाऊँ मेगा की शादी है। कौन मेगा। मेरी बहन। गाइस शादी के व्लॉग्स आने वाले हैं। मेहंदी के भी आएंगे। मेहंदी हल्दी शादी हल्दी तो होली मैं जा ना पाई काम के चलते। पर आज मेहंदी में जा रही हूँ। कोई नहीं कोई नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। ले गेट खोल दे। अब बाहर का माहौल देख लो कैसा क्या हो रहा है। कपड़े सुखा रखे हैं। धूप तो निकल रही है आज हल्की हल्की ठीक है। लेके राम का नाम करते हैं अपना काम स्टार्ट आज। चलो कितना तेल पीती है रे कितना। गाइस तेल भरने लग रहा है। राम राम तो सोई ऊपर उठने लग रही है। रियो चल रहा है मीटर। भाई साहब घना तेल पी हुआ यार बेमो। बारह बात हो रहा भाई मान ले को उस आदमी लिया हुआ इसने तो वो तो मेरे ख्याल में सारी तंगा तेल हमेश कर दे भाई कर दे। गाइस फिलहाल जा रहे हैं हैंडलूम पे। हैंडलूम पे अपने जो पर्दे का ऑर्डर देखा थे वो देखा हूँ कि कब तक हो जाएगा। आज शाम को लगने ही लगने हैं भाई सारा काम आज। सारा तो नहीं 95% काम आज हो जाएगा। पर तनी का भी घर जा रही है देखते हैं। हाँ। चल क्या बाकी ठीक आ रही हूँ मैं तेरा बता रही हूँ। ये मैंने खाली करवा दिया है। हाँ। और ये सारे कुछ सभी मेरे को यहाँ रख दी। तू आया नहीं तो ये यहाँ आ जाएगी ऊपर ठीक है। ठीक है ठीक है। ये तेरे दो ब्लेजर्स बाहर रखे थे मैंने इसमें रखवा दिए ठीक है। दे दी मैंने यार ब्लेजर पूरे ना आए यार ना। वो वाली लंबी है खनी का इतनी है लंबी है। हाँ ना उतनी है।
इतना तो आओ इन काटे पाऊंगा। चल ठीक हाल लिया भाई वो चल। तूने खाना खा लिया? तेरा चलो ठीक है ठीक है ठीक है सारा संगवा दिया। अब तो जा रही है पक्का फाइनली? गाइस मुझे छोड़ के जा रही है कहीं का। कब आएगी? ओ तू तो बैग बुक सारे चीज पैक कर रही है तेरी कैब वाली। चल मैंने ये कैब बुक करी थी भाई आधा घंटा और लगाओगी पर सारा काम सारा कर रही है पैक बुक। ठीक है तू तो कह रहा पाँच मिनट रुक जाओ ना तो फोन आ जाएगा भाई। किम्मी गाइस कनिका जा रही है घर छोड़ के और मैं छोड़ के आ रहा हूँ इसको कैब तक। पेंडा झूठिया मेरा रहने यार तेरे अंदर दुख मना रहा है। ना ना दुख की क्या बात है नहीं आए चल सही है शाम तो यहाँ लिए। चलो चल जल्दी आ जा यार वो वेट करने लग रहा है भाई। दो मिनट पहले फोन कर देता यार तो मैं अपने सारी चीज रेडी रखती। चल तो चल आ जा ले मैंने बेरा था देख लिया गाइस इसका इनती देखे पावे वॉशरूम लगाना पड़ेगा एक। तू आएगी तेरे को वॉल पेपर लगे मिलेंगे हर एक चीज लगी मिलेगी है मैं ब्लॉग देखूंगी ना। चल ठीक है चल ओके चल किमी कैब आ गई। कितने में हुई कैब? 500 रुपए में हुई। चल बैठ ही बे। अरे पूछना पड़ता है ना। चल चल ले सामान कितने वही पैसे पर भी जाए कम भी हो जाए। हां हां वो तो अच्छा बड़ 20 का है बड़ 20 का है। हां बड़ 20 के ले जी आप कहाँ से हो? से अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके जाओ। एक बोल बता चल। ओके बाय बाय तना चला नहीं आती राज लेके जाए तू नगर रो मत। मम्मी भी भाई शायद शाम तक आ जाएगी कोशिश तो यही है मेरी शाम तक ले आओ मम्मी ने गाड़ी लगा दो साइड में और फिर अपना करते हैं काम स्टार्ट गाइस जो भी पेंडिंग है हमारा आज रेडी करना है हमको। और पापा भी शायद मेरे ख्याल में एक आध दिन में आ जाएंगे बात हुई थी मेरी। लो भाई लगा देते हैं इसको साइड में यह वाली जो पार्किंग है ना मेरी घर के बाहर की यह रिजर्व करवा रखी है मैंने यह लगा दी गाड़ी यहाँ पे बाकी पार्किंग इस तरफ भी बताई पड़ी हूँ पार्किंग की कोई समस्या ना। गाइस तोते उड़ गए भाई कती देखियो इतनी अलग पाई अभी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ऊपर जाने लग गई है इसलिए यहाँ दे काटनी पड़ी हमको पर कोई बात नहीं ये कंप्लीट हो गया पापा ये कंप्लीट हो गया यहाँ कर दिया अभी सफाई चल रही है घर की और अभी ये वाली टाइल भी साफ करनी है कोई नहीं भाई लगते हैं दोबारा से करते हैं। गाइस फुल रेडी हो गया है भाई रूम थोड़ी बहुत ये टाइल भी साफ़ कर दी दीदी ने और हूँ तो बढ़िया साफ़ हो गई है ना बेड साफ़ कर दिया और ये पूरा कंप्लीट लग गया है भाई देखो आगे ना लुक एंडी ये हड़का है रह गया ये दोबारा लगाऊंगा लेके ख़त्म हो गया था असल में और वॉल पेपर वाला आने लग रहा है अभी और सारा सामान ये इकट्ठा हो गया बस थोड़ा सा वेट और फिर वॉल पेपर लग जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसी आएगी। ले भाई वॉल पेपर वाले आ गए हैं भाई साहब और ये अभी कटिंग कर रहे हैं वॉल पेपर की और फिर ये भी लग जाएगा लगा दोगे ना आज भाई साहब? लग जाएगा तो भाई प्लेट ले जा अन्ना रास कलर और पर्दे जाके हमारे देख लो भाई ये ब्राउन कलर के और ये वाले पर्दे यहाँ के हैं गाइस। फुल रूम रेडी हो गया है बस एक गद्दा गद्दा रह गया और यहाँ वाले पर्दे भी इसमें ना एक एक और ऐड कर दो ठीक है शाम तक आ जाएगा है आकर दो शाम तक फिर इसकी लुक सही हो जाएगी और यहाँ भी चार हो गए ना भाई। और वैसे वो वाला पर्दा और रह गया फिर लुक बढ़िया आ जाएगी इसका कुछ जुगाड़ करो ना पैनल का बीबीसी पैनल है करते हैं। ये देखो यार लगा दी मैंने इस पर सनमाई का आज पीपीएफ लगा दी सी लगी ना कपड़ा भी ले गए कपड़ा और फाइनल जो लुक आएगी आपको दिखाता हूँ भाई बोले पर लगने के बाद ठीक है फिलहाल घर कुछ इस टाइप से बिखर रहा है और बोले पर लगने के बाद जो लुक आओगी ना एक नंबर की आने वाली है 3D लुक इसको उतार लोगे ना आप इसके नीचे कुछ लग ना रहे हो
कील भी निकाल ली अंदर से, अंदर कील लग रही है। फोटो नहीं लगेगा, फोटो ना लगे, सिर्फ बोले पर आएगा, फोटो लगा देना साइड में लगा देना। और तो ये हो रहा है ना गंदगी, ये भी साफ कर देना यहाँ से, ये जो कोने में हो रही है। हाँ प्लास दे दूंगा मैं आपको। ये वाइस पे पेस्टिंग लगा दी उन्होंने और अब चिपका देंगे इसके ऊपर। वाइस फिलहाल लुक आ रही है कुछ ऐसी, चिपकाना कर दिया स्टार्ट। और ये पहले गम लगा दी। ये क्वालिटी की है, ये HD में है पूरा है। ऊपर तो कटिंग भी कर दी भाई। और बाकी आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैसी लुक आएगी। 3D बल्ब पर लगाई जी और फाइनल देखते हैं लगने के बाद। फाइनल भैया आधा काम हो गया था, लेकिन बीच में दिक्कत आ रही है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया, लेकिन ठीक है भैया ने कर दिया। और आधा काम देखो भाई कैसा लग रहा है दूर से। बाकी जो 3D लुक मेरे को आ रहा है ना यहाँ से, वो आपको शायद इसमें नहीं आ रहा होगा वीडियो में, कोई ना पर हो जाएगा। देखो यू टेढ़ा हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा ना ऊपर जा रहा है ये हल्का सा इस तरफ है ना, अजीब ठीक हो गया। डिजाइन तो मिल गया पूरा, ये 3 पीस में ले गए आए थे भाई इसने। दूर तो ठंडी लागू है, यहाँ से तो यहाँ से दिख रहा हो आपको बिल्कुल 3D। हाँ ये भी दिख गया पूरा 3D लुक। तो भाई न्यू वाले पर आ गया है हमारा। बाकी ये बाल्टी में नहीं पीने का दूँ। ओके इसमें क्या है, ये गम है, ये फेविकोल होती है। फेविकोल पाउडर पानी मिला के पेस्ट बनता है। अच्छा अच्छा पानी मिला के। चलो भाई स्किमी को फ़ोन करते हैं और उसका रिएक्शन नोट करता हूँ भाई, लगने के बाद कैसे रिएक्शन आ रहा है देखते हैं। ठीक है और यू मिला दिया भाई किमी दो फ़ोन देखते हैं। हेलो क्या कर रहे हो? अच्छा उठ बह में नहीं गए? मैं नहीं लगवा ली, आ गए थे। कुछ दिखाऊं? दिखाओ एक बार, बैक के बड़ा करने दो भाई इसका। ये देख। ओ वाओ मोस्टरोइड एंड लग गया गड़ांडी, एक नंबर। किसे ने सजेशन दे रखा था यहाँ से? और देख यहाँ से मस्त है, मस्त। और सुन पढ़ते भी लग गए, ये भी लग गए पढ़ते। और अंदर से दिखाता हूँ लुक कैसी आएगी, अंदर से देखियो। मैं तो कह रही हूँ इसमें भी वॉलपेपर लगवा ले, जहाँ तेरा फोटो रखा 3D वॉलपेपर। देखिए देखिए पढ़ते अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ से देख, और यो बनाना कोना सुतरा सोरा लग गया। यो मेरा बटे हुए है कनिका। तू सुंदर लग रही है आज, पता नहीं क्यों तुझे मैं वैसे में सुंदर ही लगती हूं रोहित, तुझे सुटों में ही गंदी लगती हूं। ओ तेरी गे, चल ठीक है एंजॉय कर बे हमारा बड़ा। ओके बाय बाय। बाय बाय। इसकी मेरे एंड रिएक्शन आ रहा है एक नंबर के। और एक बार फुल लगने के बाद आपको दिखाता हूं कैसा लगेगा। बाकी ये घर की हालत जितनी भी हो रही है ना सारी मन ने सुनवानी है पूरे घर में, कोई भी नहीं है। मम्मी शाम तक आएगी और मम्मी कन्फर्म नहीं है कि शाम को आएगी भी नहीं आएगी, चलो देखेंगे उसका ही भाई। शाम ने खाना वाना ही मैं बनाऊंगा, शाम का बना देखते हैं, इस किचन में मिलते हैं शाम को। और गाइस मैं हूँ नहा के रेडी भाई फुल, और मम्मी को लेने जा रहा हूँ अभी। और मम्मी को मैंने वीडियो कॉल इसलिए नहीं करी क्योंकि मम्मी के रिएक्शन में ओरिजिनल लूँगा भाई आने के बाद कैसे हैं। ठीक है अभी तक ये वीडियो लाइव गई नहीं है, तो मम्मी के रिएक्शन बहुत तगड़े आने वाले हैं गाइस। बाकी रास्ते में मम्मी हिंट दे दूंगा, और आने के बाद जो एपिक रिएक्शन होंगे, गुस्सा करेगी डांटेगी मतलब के थायो, क्योंकि भाई उनकी पसंद कुछ और है मेरी कुछ और है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी लुक जबरदस्त चल रही है। ओके दीदी बाय, जा रहा हूँ मैं, चाबी मैं आ लूँगा 20 मिनट में। चाबी गार खरीद गाइस, चाबी नहीं मिल रही। इसका बताओ भाई क्या किया जाए, ये निकाल दिया है बाहर क्योंकि अब किसी काम का है नहीं वैसे, तो बताना कमेंट करके इसका क्या हो सकता है गाइस। कुछ अगर इसका भी यूज़ निकल सकता है तो देखते हैं। बाकी मौसम हो रहा है गच, ओ हो ठंडी हवा चल रही है,
हो रही है अपनी दोनों खड़ी, गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा, यह भी दबानी आज देखियो। ओके निकलते हैं क्योंकि लेट हो लिया। पर हाँ गाइस एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, मैंने कल जो व्लॉग बनाया था बोलपर वाला उसके बाद जो भी शूट कराया भाई अकबर अनके होया भाई वो सारा का सारा डिलीट हो गया, सारी की सारी फाइल डिलीट। तो अब नेक्स्ट डे सुबह उठ के मॉर्निंग में और मम्मी का फोन आया कि हाँ मेरे को लेने आ जाइए आज, तो अभी मम्मी को लेने जा रहा हूँ गाइस और बस आधे घंटे में पहुँचने वहाँ पर और फिर मम्मी को ले गया घर पर ड्रॉप करके, फिर जाना मेरे को आज रोहिणी। तो पहले मम्मी के रिएक्शन नोट करेंगे ठीक है, फिर ब्लॉग एंड करेंगे, वहाँ भी जाना है आज, वहाँ से भी इनविटेशन है। हालांकि मैंने जल्दी पहुँचना था लेकिन मम्मी लेकर आनी थी भाई, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया टाइम पे। तो बस मम्मी को लेके आके घर पे ड्रॉप करके फिर देखते हैं कुछ बनाएंगे प्लान श्लान, क्योंकि शादी का टाइम है गाइस। गाइस मम्मी का रिएक्शन देख लो कैसे आ रहे हैं ये, है कैसा लगा है? अच्छा लगा, थोड़ा दबा दबा सा नहीं हो गया कुछ है, थोड़ी जगह थोड़ी दबा दबी सी नहीं हो रही है, बराबर है लगा कुछ। अरे वो इस चीज तो लगे बोले प्रिय थे और कुछ यूं भी रखा है यहां, ये बैठाऊंगा ये तो कुछ ना उसका ना ये रूम दबा दबा हो रहा है, ये रूम देखो आ जाओ दबा दबा हो रहा है, थोड़ा बहुत तक नया तो दिख रहा है भाई, लाइट ऑन कर देते हैं गाइस। अच्छा पढ़ दे ओके, देखो एक बार ना ना जो मैं चाहूँ दो पढ़ देने, क्यों क्यों ऐसा होते हैं सस्ते थोड़े सस्ते को ना, अरे जो मैं देख रही थी उड़ा चार पढ़ दिए ना लगा उड़ा और ज्यादा पढ़ दिया, हाँ एक पढ़ दिया इसका मंगवा दिया मैंने एक्स्ट्रा और इसमें कम था एक पढ़ दिया, मैंने भी चार पढ़ दिए थे, हाँ तो एक कम था। अरे ये लो रोड चेंज कर देंगे ऐसे, ये देखिए आपने ठीक है, सब कही खुद अपने आप है, फिर आप नहीं कहो अगर पूर्व की तरफ वो नहीं होने चाहिए पैर और कुछ स्पेशल लेके आने वाले हैं गाइस ठीक है, हां इसको भी कर दिया ये ऊपर पर अंदर ही जाएगी सही है, लेकिन वीडियो मतलब दब गया से नू दबया दबया हो रहा है, कोई ना गाइस तुम बताओ कमेंट करके भाई दब रहा क्यों हो रहा है, दब रहा है ठीक है, जो मतलब छोटा छोटा काम कर लगना है कि बड़ा ना था जो खुला कोई ना इनके ऊपर छोड़ दे, आप बताओ भाई कमेंट में मम्मी सही बोल रही नहीं बोल रही ठीक है। ओके टाटा भाई आज हम लोग ये बैठ करते हैं फिर मिलते हैं एक और ब्लॉग में, बाय बाय टाटा।